जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में खबर निकल के सामने आ रही है कि जो मध्य प्रदेश की नई सरकार है इस पर उतना फोकस ही नहीं कर पा रही है। खबर ये आ रहा है कि जनवरी महीने में भी जो है एमपी पुलिस का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर दोस्तों जनवरी महीने में एमपी पुलिस का रिजल्ट नहीं आता है तो अगर फरवरी या मार्च में आ रहा है, ऐसा खबर लग रहा है फरवरी लास्ट वीक या मार्च में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का एग्जाम जो है फिजिकल का जो है मई जून में चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव है। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप जरूर जो है ट्विटर पे या अलग अलग कैंपेन चल रहा है, आप जरूर फोकस करिए, क्योंकि हमारे जो है यही एमपीपीएससी की बात करते हैं तो एमपीपीएससी धड़ल्ले से अपना रिजल्ट जारी कर रहा है, अपना शेड्यूल जारी कर रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो है पीईबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी अपने पास फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट नहीं आया है, जेल तैयारी का रिजल्ट नहीं आया है, और एमपी पुलिस मेजर एग्जाम ये जो तीन है इनके रिजल्ट वो लोग दिए ही नहीं है। जबकि एग्जाम हुए जो है एमपी पुलिस का एग्जाम तो अब तक जो है अगस्त सितंबर में खत्म हो गया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हो चुका है। वहां पे कॉल करने के बाद ये जाके पीईबी में मिलने से अधिकारी स्पष्ट बता रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पास तैयार है लेकिन हमको आदेश नहीं आया है कि हम रिलीज करें। तो इसके लिए बिल्कुल आप जो है आंदोलन में भाग लीजिए, सहयोग करिए, ट्विटर कैंपेन करिए, जिसके वजह से क्या हो कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए दोस्तों, वरना फिर ये लटक जाएगी भर्ती और लोकसभा इलेक्शन के बाद चली जाएगी। जय हिंद दोस्तों।